भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधुत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम नमामि कृष्ण वारणम। धृतो मल्लकच्छः सुपट्टेर्निर्बद्धः त्रिपट्टेषु बद्धा लोको गोपिकेशः शिखण्डेन त्रिधा शिखा शोभते सः प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदा द्वारकेशः। पटुकों से सुसज्जित मल्लकाच्छ धारण किए हुए श्रीमस्तक पर अपनी अलकावली को टिपारे में समेटे हुए और उसके ऊपर मयूर पिच्छ की तीन चंद्रिकाओं से अति शोभायमान श्री द्वारकेश प्रभु सदा मुझ पर प्रसन्न रहे, मेरा सर्व मनोवांछित प्रदान करे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्रीवल्लभाधीश की जय। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी शनिवार 17 सितंबर 2022 है। श्रीनाथ जी में आज का श्रृंगार ऐच्छिक है। हम जानते हैं कि जिन तिथियों में प्रभु की सेवा प्रणालिका में कोई वस्त्र अथवा श्रृंगार निश्चित या निर्धारित नहीं होता है, उन तिथियों में प्रभु को ऐच्छिक वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। ऐच्छिक वस्त्र श्रृंगार धराने का अर्थात कौन से वस्त्र और कौन सा श्रृंगार धराया जाएगा, इसका निर्धारण के जो प्रमुख आधार है उनमें पहला है प्रभु श्री गोवर्धन धारण की इच्छा, दूसरा है ऋतु की अनुकूलता, तीसरा है ऐच्छिक श्रृंगारों की उस दिन उपलब्धता और चौथा है पूज्य श्री तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा। और तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा के अनुसार प्रभु के तत्सुख की भावना से मुखिया जी अपने स्वविवेक के आधार पर ऐच्छिक श्रृंगार का निर्धारण करके प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराते हैं। ऐच्छिक वस्त्र और श्रृंगार के रूप में आज जो श्रृंगार धराया जाता है वो है मल्ल कच्छ और टिपारा का श्रृंगार। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मल्ल कच्छ, मल्ल एवं कच्छ दो शब्दों से बना है और ये एक विशेष प्रकार का पहनावा होता है जो सामान्यतया पहलवान अर्थात मल्ल कुश्ती के समय पहना करते थे। सामान्यतः यह श्रृंगार वीर रस की भावना से प्रभु को धराया जाता है। यह श्रृंगार पराक्रमी प्रभु की चंचलता को प्रदर्शित करने की भावना से धराया जाता है। आइए आज के इस श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज श्रीनाथ जी में श्री गोवर्धन शिखर, सांकरी खोर, दान घाटी इत्यादि स्थानों पर गोरस बेचने जाती गोपियों और प्रभु श्री कृष्ण ठाकुर जी एवं बलराम जी मल्लकच्छ टिपारा धराए हुए हैं और भुजदंड से मटकी फोड़ने के लिए श्रीहस्त की छड़ी ऊंची कर रहे हैं तथा मटकी में से गोपियों की मटकी में से गोरस छलक रहा है, ऐसा सुंदर सुंदर चित्रांकन किया हुआ होता है। ऐसी दान लीला की पिछवाई आज सुशोभित की जाती है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद रंग की बिछावट की जाती है। वस्त्र श्रृंगार सेवा की आज चर्चा करें तो आज श्रीनाथ जी में हरे मलमल का मल्लकाच्छ और पटका हरे मलमल का ही धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र आज श्याम रंग के धराए जाते हैं। आवरण श्रृंगार सेवा में प्रभु श्रीनाथ जी को आज श्रीकंठ के श्रृंगार छेड़ान के धराए जाते हैं और बाकी श्रृंगार भारी धराए जाते हैं। आज सर्व आवरण सोने के स्वर्ण के सुशोभित किए जाते हैं, जिसमें श्रीहस्त के आवरण बाजूबंद पहुंची हस्त साकला कड़े मुद्रिका इत्यादि
श्रीमस्तक पर टिपारा का साज, श्रीकंठ के आभरण माला, कंठहार इत्यादि और श्री चरणों के आभरण, नूपुर, पेंजरिया, बिछिया आदि सर्व आभरण आज सोने के सुशोभित किए जाते हैं। आज ठाकुर जी के श्री मस्तक पर टिपारा का साज धराया जाता है, जिसमें हरे मलमल के टिपारे के ऊपर मध्य में मोरशिका और दोनों ओर दोहरा कतरा धराए जाते हैं और बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीकर्ण में आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। क्योंकि दान के दिल चल रहे हैं, अतः आज चोटी जी नहीं धराई जाती है। आज प्रभु जी के श्रीकंठ में कमल माला धराई जाती है, साथ ही श्वेत पुष्पों की दो सुंदर माला जी सुशोभित की जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी जी ने लहरिया के वेणु जी और वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज की चर्चा करें तो आज पट लाल और गोटी चांदी की बाघ बकरी की आती है। इसके अलावा साज सेवा के तहत आज प्रभु के सम्मुख दो पड़गा जी धरे जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर जारी जी धरी जाती है। ठाकुर जी के स्वरूप के सम्मुख चांदी के दृष्टि जी भी आज धरे जाते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अतः श्रीनाथ जी मंदिर में हाथी पोल के बाहर कमल चौक में नित्य की भांति आज भी सांझी मांडी जाती है। श्रीनाथ जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य की भांति संपादित होता है। आइए अब हम आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन रंचक चाखन दे का गायन होता है, जबकि राजभोग में जो कीर्तन होते हैं वो है जमुना गाठ रोकी और ग्वालिन मीठी तेरी छाछ। इसके अलावा संध्या आरती के दर्शन में बंसी वारे सांवरे नेक का गायन होता है और शयन के दर्शन में जो पद गाया जाता है वो है दिन दिन आए गई यह। इसी प्रकार आज मान के कीर्तन में तेरे दुहाग की महिमा और पोड़वे के कीर्तन में पोड़िए लाल कुंवर कनई पद का गायन प्रभु श्रीनाथ जी के सम्मुख किया जाता है। ठाकुर जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य के अनुसार संपादित किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, पुनश्च हार्दिक आभार। जय श्री कृष्ण।